हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका MSIV विवेकामृत में। यह NCERT क्लास 8 मैथ के चैप्टर 7 का पार्ट 5 वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल 5 सेंटीमीटर, AD इक्वल 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C इक्वल 120 डिग्री और कोण D इक्वल 90 डिग्री हो। इस चतुर्भुज की रचना के लिए एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। ABCD प्रश्न के अनुसार BC 4.5, CD 5, CD 5 सेंटीमीटर, AD 5.5, C पर 120 डिग्री का कोण बनना चाहिए और कोण D बराबर 90 डिग्री। अब इस रचनात्मक आकृति के आधार पर हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। सर्वप्रथम DC 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। DC 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। अब हमें D पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए हम चांद का उपयोग करेंगे। चांद का जो यहाँ मध्य बिंदु है, इसे D बिंदु पर रख देते हैं और ये नीचे का रेखा DC रेखा पे होना चाहिए। 90 डिग्री यहाँ आ रहा है। अब इसे मिला लेते हैं। मिला लिया, लिख लेंगे D इक्वल 9। C बिंदु पर चांद को रखना है, DC रेखा के बराबर करना है। अब 120 डिग्री का कोण इधर दाहिने तरफ बनाना है, तो इधर से गिनेंगे 0, 10, 20, ऊपर वाला लाइन देख लेंगे, 90 के बाद 100, 110, 120। अब इसे मिला लेते हैं। C पर 120 डिग्री का कोण बन चुका है। C से CB 4.5 सेंटीमीटर, जिसके लिए स्केल पर 4.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। माप लिया। अब C बिंदु पर चाप को रखकर 4.5 सेंटीमीटर का कट लगा लेते हैं। ये कट लगा और यहाँ B बिंदु प्राप्त हुआ। लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। D से हमें 5.5 सेंटीमीटर लेना है, जिसके लिए स्केल पर 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। D बिंदु पर चाप को रखकर 5.5 सेंटीमीटर का कट लगा लेंगे, बिंदु A। अब A से B को मिला लेंगे। AD 5.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, RS इक्वल 6 सेंटीमीटर, PS इक्वल 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण S बराबर 135 डिग्री हो। इस चतुर्भुज को भी बनाने के लिए एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। PQRS, PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोण P पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, कोण S पर 135 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरह का चतुर्भुज बनाना है। PS 5.5 सेंटीमीटर। अब P पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसके लिए हम चांद का उपयोग करेंगे। अब P पर 90 डिग्री का जहां 90 डिग्री है वहां एक पॉइंट दे देते हैं। S पर 135 डिग्री का कोण बनाना है, इधर से काउंट करेंगे, 90 के बाद आ जाएगा 100, 110, 120, 130 और 140 के बीच में आएगा 135। इस बिंदु से
इस बिंदु को मिला लेते हैं, 135 डिग्री, 135 डिग्री का कोण बना है यहाँ, और P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना है। P बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। इसके लिए स्केल पर 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। अब P बिंदु पर चाप रखकर 5 सेंटीमीटर का कट लगा लेते हैं। S बिंदु से 6 सेंटीमीटर का कट लगाना है। इसके लिए स्केल पर 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। माप लिया। अब S बिंदु पर चाप रखकर 6 सेंटीमीटर का कट लगाया, तो जहाँ कट लगा है वहाँ R बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ Q बिंदु प्राप्त हुआ। बिंदु Q को R से मिला लिया, चतुर्भुज PQRS प्राप्त कर लिया। PQ 5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ इक्वल 6 सेंटीमीटर, QR इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, RS इक्वल 6 सेंटीमीटर तथा कोण P इक्वल 120 डिग्री और कोण Q इक्वल 60 डिग्री हो। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा? चतुर्भुज का प्रकार भी बताना है कि किस तरह का चतुर्भुज प्राप्त हुआ। एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। P और Q पर कोण बनाना है, इसीलिए इन दोनों को नीचे रखेंगे। P Q R S, P पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, Q पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। PQ 6 सेंटीमीटर, QR 7.5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर। अब इस रचनात्मक आकृति को देखकर चतुर्भुज PQRS की रचना करनी है। Q 6 सेंटीमीटर, P बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, 90, 100, 110, 120। अब Q बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। Q बिंदु पर चांद रख लेते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहां से गिनेंगे PQ रेखा से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। Q बिंदु को 60 डिग्री वाले बिंदु से मिला लेते हैं। यहां 60 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें QR 7.5 सेंटीमीटर लेना है। QR 7.5 लेने के लिए स्केल पर 7.5 माप लेते हैं। Q बिंदु से 7.5 लेना है, इसीलिए चाप को Q बिंदु पर रखकर 7.5 का कट लगा लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर बिंदु R। R बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, जिसके लिए चाप को फैलाकर 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। R बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, बिंदु R पर चाप को रख के 6 सेंटीमीटर का चाप लगा लिया, जो S बिंदु पर काट रही है P रेखा को। अब S बिंदु से R को मिला लेते हैं। ये 7.5 सेंटीमीटर QR, PS 7.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.5, 7.5। तो जब आमने सामने की भुजा समान होती है उस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। चूंकि PQ इक्वल SR इक्वल 6 सेंटीमीटर तथा QR इक्वल PS इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, इसीलिए PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक सम चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण C इक्वल 110 डिग्री और कोण D इक्वल 70 डिग्री हो।
सवाल समचतुर्भुज कह रहा है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो सभी भुजा समान है यानी सभी 7.5 सेंटीमीटर की होगी। सी पर 110 डिग्री का कोण बनाना है, डी पर 70 डिग्री का कोण बनाना है। सी पर 110 और डी पर 70 डिग्री का कोण, सी डी। तो यहां हो जाएगा ए बी सी डी। इस आकृति को बनाने के लिए बी सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया बी सी। सी पर 110 डिग्री का कोण बनाना है जिसके लिए हम चांद का उपयोग करेंगे। बिंदु सी पर चांद को रख लिया 90, 100, 110। सौ दस डिग्री का कोण बनाया है, स्केल पर 7.5 सेंटीमीटर माप लिया। अब सी बिंदु पर रखकर 7.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाया तो यहाँ डी बिंदु प्राप्त हुआ 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें डी पर 70 डिग्री का कोण बनाना है जिसके लिए डी बिंदु पर चांद को रख लेते हैं। सी डी रेखा पे कोण बन रहा है इसीलिए यहाँ से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। डी बिंदु को 70 डिग्री वाले बिंदु से मिला दिया। एक बार फिर से स्केल पर 7.5 सेंटीमीटर मापना है और डी बिंदु पर रखकर 7.5 सेंटीमीटर का कट लगाना है। ए बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु ए को बी से मिला लिया 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। डी बिंदु पर 70 डिग्री का कोण बना है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ।